नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेड गो ट्रिप के चैनल पे। मेरा नाम है इंजीनियर उत्कर्ष आनंद और देखिए आज हम आ चुके हैं साकी गोपाल। तो दोस्तों, एक पुरानी मान्यता के अनुसार जब आप जगन्नाथ धाम के दर्शन कर लेते हैं तो बाबा जगन्नाथ के दर्शन के बाद कहा जाता है कि आपकी यात्रा मंगलमय तभी होगी जब आप साकी गोपाल आएंगे। तो दोस्तों, इस साकी गोपाल का क्या है रहस्य और कैसे हमें जाना है साकी गोपाल, कितना दूर है साकी गोपाल पूरी जगन्नाथ से, और दोस्तों इसके बारे में तमाम जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमें यहां पर एक स्थानीय निवासी मिले हैं जो कि इस साकी गोपाल के रहस्य को आप सबके सामने लाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम इनसे एक बार पूछते हैं कि आखिर क्या रहस्य है साकी गोपाल का, क्यों जरूरी है साकी गोपाल का दर्शन करना। तो दोस्तों बताइए, क्या रहस्य है, क्यों साकी गोपाल आते हैं लोग? इसीलिए आते हैं कि जगन्नाथपुरी के दर्शन के उपरांत जो साक्षी के रूप में, जो विटनेस के रूप में ये साक्षी गोपाल आते हैं और तभी पुण्य प्राप्त होता है। आज जगन्नाथपुरी के दर्शनार्थ जो लोग आते हैं उसका, तो साक्षी गोपाल का मंदिर स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हमारे चैनल पे वीडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि आखिर क्या कारण है, क्यों हम यहाँ पे आते हैं। तो आइए चलिए हम एक बार यहाँ के रेलवे स्टेशन को देखते हैं, कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, ये है साकी गोपाल का छोटा सा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बड़े ट्रेन्स नहीं रुकते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन्स नहीं रुकते हैं, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन, मेल ट्रेन या फिर मेमू एक्सप्रेस ट्रेन जो है यहाँ पे रुकते हैं। और इसकी जो दूरी है पूरी रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर है, जबकि भुवनेश्वर से 45 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आने का जो साधन है, या तो आपके अपने खुद के व्हीकल होने चाहिए, कैब होने चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, कार होना चाहिए, नहीं तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो पूरी से आने के लिए ये टाइमिंग है और ये रोज प्रतिदिन आपको ट्रेन मिलेगा, जबकि भुवनेश्वर से आने के लिए ये टाइमिंग है, आपको प्रतिदिन ट्रेन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बाहर आके आपको मिलेगा ये ऑटो। हमने पूरा ऑटो बुक कर लिया है, 150 रुपया में साक्षी मंदिर पे जाना है और वापस ये हमें यहाँ आके या बस स्टैंड पे छोड़ेंगे, 100-150 रुपया लगेगा आपका। तो अभी दोस्तों हम ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो से चल रहे हैं वहाँ पे। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि वहाँ पे सवारी हमेशा जाता नहीं है तो ऑटो को रिजर्व करना पड़ता है। आने जाने का कुल मिलाकर लगभग 150 रुपये चार्ज करते हैं ऑटो वाले। ये रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, अभी हम उसी रास्ते पे आगे चल रहे हैं। यहाँ पे गोपाल मंदिर आ चुके हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मंदिर का प्रांगण है और धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आगे बढ़ते हुए ये देखिए मंदिर का मुख्य द्वार आपको सामने दिखेगा, ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये मंदिर का एंट्रेंस है। जी हाँ दोस्तों, जय साकी गोपाल। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं साकी गोपाल और हमारे साथ हैं माननीय पंडित जी। तो कुछ जानकारी दें हमारे दर्शकों को यहाँ के बारे में, ताकि लोग यहाँ पे पूरी जगन्नाथ पूरी के बाद यहाँ पर आकर के साक्षी हो पाएं। सर, इसका नाम है साक्षी गोपाल है। साक्षी गोपाल भगवान जी साक्षी देने के लिए मथुरा वृंदावन से इधर आए थे। इनके गवाही है, 2 ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए वृंदावन से निकले, एक युवक ब्राह्मण एक वृद्ध ब्राह्मण। जब दोनों ब्राह्मण घूम घूम के वृद्ध ब्राह्मण के तबीयत खराब हो गया, इसी टाइम में युवक ब्राह्मण ने इनका सेवा किया और वृद्ध ब्राह्मण बोला है तू मेरा इतना सेवा किया, मेरा पास कुछ नहीं है, तेरे को क्या दे सकते, मेरे घर में एक तो लड़की है, इनका साथ में तेरे को शादी कर देते। और युवक बोला ने अभी बोला करेगा, बाद में नहीं करेगा, तो राजा के पास में चलो।
जब राजा के पास में दोनों ब्राह्मण गए थे, राजा ने बोला तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा साक्षी कौन है? नाम वृंदावन से आए थे, यहाँ में कृष्ण जी हमारा साक्षी है। राजा ने बोला जो साक्षी इनके लेके आओ मेरे पास। जब दोनों ब्राह्मण वृंदावन गए थे कृष्ण जी को लाने के लिए, कृष्ण जी बोला हम तुम्हारा साथ जाएगा लेकिन दो शर्त है। एक शर्त तुम आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे जाऊँ, तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और दूसरा शर्त हम वृंदावन के ठाकुर शर्म मखन खाने वाले, अब हमको उड़ीसा देश ले जाओ तो कभी चावल का भोग नहीं खिलाओ ना। ठीक है। ब्राह्मण बोला भगवान तुम पीछे पीछे आएगा तो मेरे को कैसे पता चले? प्रभु जी बोला हाथ में बंसी पैर में नुपुर, इनका आवाज़ सुन सुन के तुम आगे आगे जाओ, हम पीछे पीछे जाते हैं। जब यहीं तक आ गए, यहाँ पुरी के पास है ना, यहाँ से बालू था, बालू में जब भगवान के पैर डूब गया, नुपुर का आवाज़ बंद हो गई। इसी टाइम में ब्राह्मण मन में सोच ले कि भगवान का आवाज़ क्यों नहीं आया। जब ब्राह्मण पीछे मुड़ के देख लिया तो भगवान ही पत्थर हो गए, वो स्वयंभू भगवान है, इनको कोई बनाया नहीं। और ऑल ओडिशा में जो चारों धाम है, रामनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, चारों धाम में श्रेष्ठ धाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो कि आते हैं यहाँ आना जरूरी है, साक्षी गोपाल है, विटनेस होता है, साक्षी गवाही होते हैं जगन्नाथ। दोस्तों, साक्षी गोपाल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अब हम बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करना है। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मंदिर का बजट में दर्शन करना चाहते हैं तो कम से कम आप 10-10 रुपए का फुटकर जरूर करा लें, क्योंकि मंदिर में आपको कई जगह चढ़ावा करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपके पास खुला पैसा नहीं रहेगा तो आपको 50 के नोट देने पड़ेंगे, 20 के नोट देने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दोस्तों साक्षी गोपाल ही आपके गवाह होते हैं कि आप जगन्नाथ धाम का दर्शन किए हैं। इसलिए साक्षी गोपाल मंदिर में रजिस्टर पर आपका नाम, पता और कितना पैसा आप दान देना चाहते हैं सब आपका रजिस्टर में लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। थर्ड पॉइंट, मंदिर में दर्शन करने में लगभग कुल 20 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि इस मंदिर प्रांगण में कई और भी छोटे बड़े मंदिर हैं। फोर्थ पॉइंट, मंदिर के अंदर बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, चढ़ाने वाला प्रसाद मंदिर के अंदर ही मिल जाता है। और इनके प्रसाद में दोस्तों तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, अगर आप अपने घर से तुलसी लेकर जा रहे हैं तो ज़रूर चढ़ाएं, अन्यथा मंदिर प्रांगण में ही तुलसी का पत्ता मिल जाता है। और वहाँ मंदिर में आप दीप दान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दीप अपने घर से लेकर जाएं, या फिर मंदिर प्रांगण में ही घी का दिया खरीद सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मंदिर के बगल में ही दोस्तों, यानी मंदिर प्रांगण से जब आप बाहर निकलेंगे तो बगल में ही एक राम मंदिर बना हुआ है, तो आप राम मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे अब विदा लेता हूं। मैं हूं सूर्य प्रताप सिंह। अब मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।